दोस्तों आप देख रहे हैं YouTube चैनल बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ रजिस्ट्रेशन नंबर 25/65/11। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां क्लिक करके इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके दाहिने तरफ घंटी का बटन है, उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोज की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। बिहार बोर्ड ने पहले अंक बढ़ाने फिर व्हाइटनर के प्रयोग के नाम पर लगभग 11,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया। जब अभ्यर्थियों के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई तो बोर्ड ने उन्हें स्क्रूटनी और ओएमआर सीट का हवाला देकर झूठा आश्वासन दे रही है, जबकि बोर्ड इसके नाम पर करीब 51,000 अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की कमाई कर चुका है। आक्रोशित अभ्यर्थियों को शांत करने के लिए समिति के चेयरमैन आनंद किशोर ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया। इसमें अशोक क्रांति समेत कुल 5 प्रतिनिधि अध्यक्ष से वार्ता के लिए पहुंचे। समिति के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों को बताया कि बिना सीएम के आदेश के वह कुछ नहीं कर सकते। बोर्ड के चेयरमैन की असमर्थता को सुनने के बाद प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मिलने का प्लान किया। टीईटी परीक्षा 2017 में असफल वह इनवैलिड अभ्यर्थियों की मांगे इस प्रकार हैं। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न गलत हैं उनके अंक परीक्षार्थियों के रिजल्ट में जोड़कर फिर से रिजल्ट जारी करें। ओएमआर सीट में जिन जिन प्रश्नों के उत्तर में व्हाइटनर लगे हैं उनको छोड़कर बाकी प्रश्नों का मूल्यांकन करते हुए रिजल्ट जारी करें। आंसर की में भी कई प्रश्नों के उत्तर गलत हैं और उसी के आधार पर पूरा रिजल्ट जारी किया गया है, इसलिए उसको सुधार कर फिर से रिजल्ट जारी करें। समान महिलाओं को टीईटी में 5% आरक्षण दिया जाए, इसी आधार पर ओबीसी वह एससी एसटी महिलाओं को भी 5% का आरक्षण दिया जाए। विभाग के पत्र 283 दिनांक 28/3/2013 के अनुसार ओबीसी को 83 अंकों पर पास घोषित करें। दोस्तों अब देखना यह है कि बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर के आश्वासन पर टीईटी अभ्यर्थियों को सीएम से मिलने का मौका मिलता है या नहीं, उनसे वार्ता हो पाती है या नहीं, वार्ता होती भी है तो उसका क्या परिणाम निकलता है, ये देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों इसी तरह के अन्य वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दाहिने तरफ आपको घंटा का बटन मिलेगा, वहाँ क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डालूँ तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।